बेटा काल जो है सेल बताया और एक सबसेल बताया और एक ऑर्बिटल बताया, ओके सेल सबसेल ऑर्बिटल। सेल नंबर वन था तो सबसेल एस था, ऑर्बिटल भी एस। सेल टू था तो एस था और बी था, और एस पी एक्स पी वाई पी जेड तीन थे ना। इसको हम लोग लिखते हैं एक्चुअली 2s 2t, यहां पे भी 2s 2 2 ऐसा करते लिखते। थ्री था तो क्या था, 3s था 3p था और 3d था। s का तो ऐसी है 3px 3py 3pz और d का 3dxy 3dyz 3dzx 3dx2y2 3dz का ये वाला। इसमें 5×2 10 इलेक्ट्रॉन थी, इसमें 3×2 6 इलेक्ट्रॉन थी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थी। तो थर्ड सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 18 और 9 प्लस वैल्यू हम पढ़े थे 2n² 2×3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। बेटा ये काल ये वाला समझ में आ गया था सबको बेटा? अच्छा तो मैं इसका आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? भव्या कनेक्टेड है, भव्या आज कनेक्टेड है बेटा? अच्छा भव्या सब कॉल कनेक्टेड नहीं थे क्या? अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो 1 2 3 4 होता है ना, सेल को बताने के लिए कौन सा नंबर यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू रिप्रेजेंट सेल। सबसेल को बताने के लिए, सबसेल मतलब इसको बताने के लिए एल होता है, एल को बोलते हैं यस। डी मतलब इसके लिए जो सबसेल के लिए होती है बेटा। अच्छा लगा ना बेटा, नए नंबर रोल नंबर जैसे होते हैं, रोल नंबर स्टूडेंट के नंबर के लिए बताते हैं, मोबाइल नंबर इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है ना, आधार कार्ड के नंबर राशन कार्ड का नंबर बहुत सारे नंबर होता है। यहाँ पे क्या तीन नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। अभी चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। दिखाई दिया ये जो सेल है, सेल को रिप्रेजेंट करने के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते, ये एक्चुअली बताते हैं एनर्जी,
एनर्जी, ये बताते हैं शेप ऑफ द शेप और ये बताते हैं ओरिएंटेशन। इसका मतलब आज समझाता हूं, ये जो एनर्जी इसमें तो लेस एनर्जी होती है, फिर बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, 1 2 3 जितना पड़ेगा एनर्जी बढ़ते चला जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा। अभी एस जो है ना, ये सबसेल जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेरिकल होता है, पी जो सबसेल होते हैं वो इस टाइप का सेक्टर होता है डंबल से। तो अभी मान लो पी एक्स है ऐसा, पी वाई है पी जेड है इस तरीके से होगा पी जेड एक्स वाई थी। इसको क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन और इसको क्या बोलते हैं शेप। डी सबसेल होगा तो उसमें ऐसा होगा डबल डंबल, पहले वाला होता है जिम्नेशियम में यूज होती है, जिम में जब जाते हैं वो मतलब वही क्लिप वाला करते हैं ना, तो उसमें होती है ये डंबल शेप, ये स्फेरिकल, ये डबल डंबल जैसा होती है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना एनर्जी होगा बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा इसका कैसे देखने होगा, शेप कैसे होगी, और पीएक्स पीवाई जो है उसका ओरिएंटेशन होगा किधर है, इस है ऐसा है ऐसे ऐसे है, ये सब चीज को बताएं। तो तीन क्वांटम नंबर यहाँ पे यूज करते हैं। और एक चीज कल तुम लोग को बोलने भूल गया था, ये जो एस होता है ना, एस का मतलब होता है सात, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ये जो एस सबसे इससे लिया गया, पी का जो इससे लिया गया, डी सबसे का वर्ड इससे लिया गया, एफ सबसे का एफ से लिया गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख दिया जाए, तो आज जो डिस्कस हुआ उसमें एक बार बताते हैं। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएंगे, सेल के बारे में क्या बताएंगे, एनर्जी के बारे में, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेप बताएगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ओरिएंटेशन, मतलब कौन सा डायरेक्शन में है बताए, और एस जो सबसे थे उसका कहां से वर्ड आया साथ, पी सबसे होता है तो प्रिंसिपल, डी जो है वो वर्ड आया डिफ्यूज से, और एफ जो आया कहां से फंडामेंटल से। क्लियर बेटा, बेटा आसान लगा ना बेटा, बेटा डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा कुछ नहीं बेटा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने बताया क्वांटम नंबर के बारे में, हर नंबर को हर सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए
ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, कुछ वैल्यूज होती है उससे रिप्रेजेंट होता है। ओके बेटा, जैसे हमने कुछ नंबर का वैल्यूज भी लिख ले जाते हैं। एक के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका वन होता है, इसका टू होता है, इसका थ्री होता है। एक होता है कि एस सबसेल, एक होता है पी सबसेल, एक होता है डी सबसेल, एक होता है एफ सबसेल। इसके लिए क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका कितना होता है, इससे डिनोट करते हैं एन से और इसको डिनोट करते हैं एन से। ये एन से डिनोट करते हैं, इसमें जीरो होती है, इसमें वन होती है, इसमें टू होती है, इसमें थ्री। ठीक है, अभी देखो दूसरा लिख देता हूं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, तो माइनस वन जीरो वन। डी में क्या होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन। ठीक है बेटा, एफ पे सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस। ओके, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ऑर्बिटल हो गया, सात ऑर्बिटल। यहां पे कितना होगा, पांच ऑर्बिटल। एक कितना होगा, तीन ऑर्बिटल। इसका तो एक ही ऑर्बिटल। दैट मीन्स एन जो होता है, एन क्या होता है, वन से शुरू होती है। एल कहां से शुरू होती है, एल जो होता है जीरो से शुरू हो जाती है। एल एल जीरो से शुरू होगी, एन जो होगा वन से शुरू होगा, इनफिनिटी तक चलेंगे, और एम जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होगी। किला बेटा थोड़ा थोड़ा पूछूं, श्वेता श्वेता एल के वैल्यू जीरो है तो कौन सा सबसे होगा, एल का वैल्यू जीरो एस। आयुष एल का वैल्यू वन तो सबसे क्या होगा सी। इसके बाद सुजय एल का वैल्यू टू कौन सा सबसे होगा, एन का वैल्यू टू। सुजय जॉय एल का सेल कौन सा होगा, एल सेल। ठीक है ना, गुड। अभिषेक अभिषेक साहब टेबल साहब तुम लोग क्या बनाओगे, क्या नोट बनाओगे, नोट बना के मेरे को भेजोगे, ठीक है, पीडीएफ भेज दोगे, इस पूरे जो पढ़ा है इसका नोट्स बनाओगे खुद, क्या क्या चीज तुमको याद हुआ, और उसको मेरे को व्हाट्सएप में भेज दोगे, यही होमवर्क हुआ। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। अच्छा बंद हो गया, हाँ पीयूष वो बंद हो गया। अच्छा वो मैंने जो पढ़ाया था समझ में आ गया। अच्छा तो ये चीज बताया था, कल का वीडियो देखे थे।
हाँ अच्छा कोई बात नहीं, तो बुक से पढ़। हाँ बोलो। और फोन नहीं पता तो? अच्छा जी बेटा देखो, मैं तीन नंबर बोल रहा हूँ, उसी तीन नंबर में से कहीं से किसी से भी फोन करो। एक लिख लो, तुम्हारे पास वो वाला शायद होगा 7895, और दूसरा लिखो 8630, ये वाला भी है 231 231। एक मिनट, इसका फोन। हेलो,